Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सियासी कारकुनों का पारा चढ़ गया। कुपर रोड के बाद फातिमा जिन्हा कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर भी नून लीग और तहरीके इंसाफ के कारकुनों में तल्ख कलामी और नारेबाजी। दफा 144 की भी खिलाफ वर्जी। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद का मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड के साथ सांधा पोलिंग स्टेशन का दौरा। कुपर रोड पर लीगी कारकुन की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जख्मी। NA 120 में पोलिंग का वक्त नहीं बढ़ेगा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया। मुकर्रा वक्त में जितने वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वही वोट डाल सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। हमारा वोट हमें मुतला किए बगैर हल्के से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। NA 120 पर बाज वोटर्स का शिकवा। और मेरा वोट उन्होंने टिम्बर मार्केट में वो भेज दिया, किस वजह से भेज दिया मुझे तो समझ नहीं लग रही। हमारे यहाँ पे निसीम पार्क के वोट बने हुए थे लेकिन ये 2 साल से हमारे ये कहीं ट्रांसफर कर दिए हैं शाहदरा में। हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, ट्विटर पर लीगी कारकुनों की मरियम नवाज से शिकायत। मरियम नवाज कहती है परेशान ना हो, नून लीग ही जीतेगी। घर से जरूर निकलें और वोट डालें। NA 120 का जिम्मी इलेक्शन नौजवानों के मुस्तकबिल का तायुन करेगा। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। नवाज शरीफ आज भी मकबूल लीडर हैं। तहरीक इंसाफ हार के खौफ से हंगामे करा सकती है। नून लीग के जान अचकजई की आज न्यूज से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने कहा इलेक्शन एक हल्के में दुरुस्त इंतखाब नहीं करा सका, पूरे मुल्क में इंतखाबात कैसे कराएगा। कमर जमान कायरा बोले जिमनी इलेक्शन का नतीजा 2018 के आम इंतखाबात पर असर अंदाज नहीं होगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर मीडिया को दाखिल होने से किसने रोका अब तक पता न चला। मेरे पास ही कार्ड मौजूद है लेकिन उसके बावजूद मैं किसी भी किस्म के पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सक रही। अब मैं सुन रही हूँ कि ISPR की जानिब से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, तो काइंडली हम लोगों को अंदर जाने दिया जाए ताकि हम किसी भी किस्म की जो भी कोई कवरेज करना चाह रहे हैं वो करें और हम असल हकीकत जो है उसको बाहर ले। ISPR का कहना है कि मीडिया के पोलिंग स्टेशन में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। पाक फौज ने मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इलेक्शन कमीशन का कहना है मीडिया के दाखिले पर पाबंदी तो हमने भी नहीं लगाई, शिकायत का जायजा ले रहे हैं। NA 120 पर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज के जवान तैनात। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। 39 पोलिंग स्टेशन पर बायोमेट्रिक मशीनों का पहली बार तजुर्बाती इस्तेमाल। जिम्मी इंतजाम के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। NA 120 की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर आज न्यूज की हल्का तहलका खुसूसी ट्रांसमिशन। बरवक्त और मुसद्दिका खबरें, जानदार तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी। बाजोड़ एजेंसी की तहसील लुई मामूद में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पॉलिटिकल तहसीलदार और लेवी अहलकारों समेत 5 अफराद शहीद। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मजम्मत, कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सिब्बी के करीब कठमंडाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। जरा सी गफलत से बड़ा हादसा। कोट अद्दू में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाका हो गया, 3 अफराद जान बहक।